नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर और आज इस लाइव सेशन में सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज चर्चा करेंगे, कल एक कार्यक्रम हुआ है सत्यकलन समाचार पत्र और बिहार दस्तक के बैनर तले इस कार्यक्रम को किया गया था। और इस कार्यक्रम एक्चुअली जो था वो जिस कार्यक्रम का जो चर्चा था, जो विषय था, जिस विषय पर चर्चा होनी थी वो था ग्रामीण शिक्षा चुनौती एवं संभावना। तो आज ग्रामीण शिक्षा को लेकर मैं, चूंकि कल मैं कार्यक्रम में दुर्भाग्यवश कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया, तो आज मैं तमाम जो भी मुद्दे हुए हैं, जो भी मुद्दे जिन पर कल चर्चाएं हुई होंगी, उस पर अपनी एक राय देते हुए आज मैं यह लाइव सेशन कर रहा हूं। मैं आपको पहले बताऊं कि भारत की ज्यादातर आबादी आज भी गांव में ही बसती है, इसलिए गांव में मतलब कि ग्रामीण स्तर की जो शिक्षा है वो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मतलब विषय है। ग्रामीण शिक्षा का होना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा पढ़ें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की वास्तविक स्थिति पर एक रिपोर्ट आई थी, जिसका एक मतलब एक सर्वे हुआ था, जिसका एक रिपोर्ट आया था, जिससे पता चलता है कि भले ही ग्रामीण छात्रों में स्कूल जाने की संख्या बढ़ रही हो, इनमें से आधे से ज्यादा छात्र दूसरी कक्षा तक किताबें पढ़ने में असमर्थ है और सरल गणित सवाल भी हल नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, गणित और पढ़ने का स्तर भी घटता चला जा रहा है। भले ही प्रयास किए जा रहे हैं मगर उनकी दिशा सही नहीं है। सर्वे में इसको लेकर जो कारण बताया गया वो एक से ज्यादा ग्रेड के लिए एकल कक्षा की बढ़ती संख्या है। कुछ राज्यों में छात्रों और शिक्षकों की हाजिरी में भी कमी आ रही है और यह कुछ कारण है जिनकी वजह से भारत में ग्रामीण शिक्षा आज भी विफल है। मैं आपको बताऊं कि शिक्षा का क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करना या यह बताना यह मूर्खता होगी, क्योंकि आज इस मुद्दे पर कई लोग प्रत्येक दिन समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम जरूर होता है और शिक्षा का क्या महत्व है यह समझाने की प्रयास हर जगह किया मतलब जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो छात्रों को जिस प्रकार से सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधा का अर्थ मेरा थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैं सुविधाओं में ये मिड डे मील या साइकिल, इन चीजों को सुविधा में नहीं गिनता हूं या शिक्षा का एक पार्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से शिक्षा का जो जिन चीजों की जरूरत है, जैसे किताबों का वहां पे किताबें उपलब्ध हो पाना या फिर शिक्षकों को वहां पे एक सही ढंग से प्रत्येक विषय का एक शिक्षक हो, यह निर्धारित करके शिक्षकों का स्कूल में होना बड़ा ही मुश्किल हो गया, क्योंकि नहीं दिख पाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा रहा हो वो किसी न किसी सब्जेक्ट का, किसी न किसी विषय का ज्ञानी हो। आज ऐसा नहीं है कि 100% नील है। मैं आज भी विगत कुछ ही दिनों पूर्व मैं एक सिवान जिले के भिट्ठी पंचायत में पहुंचा था, जहां मैंने जब वहां हाई स्कूल की स्थिति देखी तो मैं दंग रह गया कि आज भी ऐसे विद्यालय हैं जहां पे इस तरीके से अनुशासन और शिक्षा दोनों को ही बड़े ही अच्छे तरीके से बैलेंस वे में चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। मैं दंग रह गया कि वहां पे शिक्षक भी हैं, वो सभी दक्ष हैं, छात्रों की संख्या भी वहां अच्छी होती है, रोजाना वहां पे एक अटेंडेंस सीट होता है जहां अटेंडेंस लगाई जाती है, तो बड़ा मतलब अच्छा लगा। मगर यह स्थिति हर जगह की नहीं है। अभी बिहार दस्तक के माध्यम से कुछ दिनों पूर्व ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक छात्र जो है वो शिक्षक का पैर दबा रहा है, शिक्षक वर्ग में ही सो रहे हैं और छात्र जो है शिक्षक का पैर। तो ये हालात अब लगभग हर जगह की है। मैं मानता हूं कि शहर से जितनी दूर आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, जितना बिहार गांव है वहां का शिक्षा स्तर उतना ही घटता चला जा रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर जो माता पिता हैं या जो गार्जियन है वो आज भी बहुत ज्यादा सजग नहीं है।
बच्चों को प्रेरित कर विद्यालय भेजा जाए। आज भी मैं समझता हूं कि विद्यालय जाने का अर्थ ही बदल गया है। विद्यालय जाने से मिड डे मील के माध्यम से भोजन और साइकिल और अन्य पोशाक के लिए अब छात्र जाते हैं, ना कि पढ़ने के लिए। जो शिक्षा शिक्षा का एक स्थान हुआ करता था विद्यालय, अब वो कुछ और बनकर रह गया है। इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो ग्रामीण भारत में कुछ सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के अनुपात देखा जाए तो बिगड़ जाता है, क्योंकि छात्रों की संख्या ज्यादा है तो शिक्षकों की संख्या वहां कम हो जाती है। देखिए, यह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी जो विद्यालय हैं वहां पे जब पढ़ाया जाता है तो शिक्षक समझ सकते हैं कि एक शिक्षक कितने छात्रों को एक बार में पढ़ा सकता है। यह अनुपात एक रेशियो के साथ वहां जाना, जितने कम संख्या होगी छात्रों की उतना ज्यादा शिक्षक ध्यान दे पाएंगे, तो यह होता है। मगर अगर छात्रों की संख्या ज्यादा हो जाए और शिक्षक कम हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है शिक्षकों के लिए भी उस पूरे परिस्थितियों को देखा जाए तो इसे सॉर्ट आउट करना, क्योंकि देखा जाए तो हर बच्चे का कॉपी चेक नहीं हो सकता है, हर बच्चे का होमवर्क आप नहीं सुन सकते हैं, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इन चीजों को देखा जाए तो अलग तरीके से और भी कुछ बाधाएं हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं, अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है इसमें गरीबी भी एक शब्द दिया गया है, गरीबी भी एक बाधा है। सरकारी स्कूलों की हालात अच्छी नहीं है और निजी स्कूल तो थोड़े महंगे जरूर है। इसका नतीजा यह भी रहता है कि माध्यमिक शिक्षा में सफल रहकर भी आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए गांव में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा है। सिर्फ वही माता पिता अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के बाद कॉलेज भेज पाते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है। यदि माता पिता बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ना भेजें तो पिछले सारे प्रयास भी विफल हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ माध्यमिक शिक्षा पाने का मतलब होता है कम पैसों की नौकरी और व्यक्ति फिर से कभी ना खत्म होने वाली समस्याओं, यानी पैसे के अभाव में गरीबी चक्र में फंस कर रह जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित हो गए हैं तो आने जो जिस तरीके का अभी माहौल है और जो कॉम्पिटिटिव युग चल रहा है, जो जनरेशन है हम लोगों का, हर कोई कंपटीशन में लगा है, हर कोई एक दूसरे से देख रहे हैं कि सभी भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं पता नहीं, कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं, बट एक कंपटीशन तो है। तो अगर ऐसे दौर में देखा जाए तो माध्यमिक विद्यालय की जो शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा को अगर आप हासिल कर लेते हैं तो तो आप इतना ज्यादा या पर्याप्त नहीं है कि आप कोई अच्छी नौकरी पा सकें। अगर आप उस लेवल तक ही हैं तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही रह जाएगी जितने आपके परिवार की पूर्व में थी, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे नहीं, अच्छी नौकरी होगी नहीं, तो आर्थिक समस्याएं तो आती रहेगी। अब आगे और भी कुछ समस्याएं हैं, मैं आपको एक जिसमें से एक बात बताता हूं। ज्यादातर पाठ्य पुस्तकें अंग्रेजी में होती हैं और ग्रामीण लोग देसी भाषा या हिंदी बोलते हैं, इसलिए सारा लक्ष्य नहीं, यह मैं नहीं मानता हूं। एक रिपोर्ट का है, मैं जो भी सर्वे है मैं वो पढ़ रहा हूं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में आज भी कई ऐसे पुस्तकें हैं, मतलब हिंदी मीडियम बेसिकली है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मेरे ख्याल से सीबीएसई में भी जो किताबें आती हैं हिंदी और इंग्लिश अलग अलग विषयों में, अलग अलग भाषाओं में आती है। गरीबी से ज्यादा बड़ा कारण है क्वालिटी, क्वालिटी बिल्कुल क्वालिटी। क्योंकि अब यहां पे एक समस्या क्या हो जाती है कि विद्यालय अगर किसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भेज भी देते हैं अपने छात्र बच्चों, वहां पहुंचने के बाद जो शिक्षक उसे पढ़ा रहा है वो शिक्षक खुद ही कितना जानता है, यह एक बड़ा विषय है। क्योंकि एक शिक्षक अपने छात्र को जो बताता है, वो एक शिक्षक मान लीजिए अगर 30 छात्रों को बताता है तो वो 30 छात्र आगे बढ़ते हुए या रेशियो बढ़ाते चले जाते हैं। अगर वो गलत पढ़ाता है या जानकारी के अभाव में कम बताता है तो 30 छात्रों को कम जानकारी होगी। दूसरा कि क्वालिटी बेस्ड की मैं बात करूं तो कई बार एक समस्या तो आती है। मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक बार हम एक किताब वितरण का कार्यक्रम किए थे, और उस कार्यक्रम के दौरान में सरकारी विद्यालय में हूं, तो हालांकि शहरी क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूं,
शहरी क्षेत्र में एक जब किताब वितरण का कार्यक्रम चल रहा था तो एक शिक्षक ने अंदर से एक पर्ची में लिखवा कर भेजा कि आपके द्वारा बांटी जा रही किताबें जो हैं व्यर्थ की किताबें हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है। वो एक्चुअली किताबें जो थी वो आर एस अग्रवाल टुगेदर विथ इवरग्रीन की किताबें थी। महंगी जरूर आती हैं, अंग्रेजी में भी आती हैं, मगर वो व्यर्थ नहीं था। क्लास वाइज क्लास में दे रहा था। वो सारी किताबें अलग अलग जगहों से मैंने इकट्ठा किया हुआ था। तो जब मैं उस शिक्षक के पास पहुंचा तो पहले तो शिक्षक ने ना कह दिया कि मैंने यह पत्र नहीं लिखा है, मगर जब छात्रों से पूछा तो छात्रों छात्राओं ने कहा कि नहीं, ये शिक्षक नहीं लिख के दिया है। तो मैंने उसमें पहले तो जब त्रुटियां गिनानी शुरू की कि आपके इस पत्र में इतनी सारी त्रुटियां हैं, तो पहले तो सभी छात्र दंग रह गए। फिर मैंने कहा कि अगर आप हिंदी लिखने में इतनी त्रुटि करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अंग्रेजी जब पढ़ाएंगे तो कई और त्रुटियां होंगी, और इस भय से आप छात्रों को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि छात्रों को मैं अवसर दे रहा था कि आप अच्छी किताबों को और अच्छी किताबों को पढ़ें। जो आप किताब पढ़ें वो बहुत अच्छी है, आप और भी ज्यादा अच्छी किताबों को पढ़ें और ज्यादा ज्ञान अर्जित करें, तो वहां पे बाधाएं आती हैं। तो मैं देखा कि शिक्षक का अगर शिक्षक दक्ष नहीं है, शिक्षक के पास जानकारी का अभाव है, तो छात्रों को तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छात्र वही पढ़ पाते हैं जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो ग्रामीण क्षेत्र में तो पूरी तरीके से छात्र शिक्षक पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि घर आने के बाद तो या मुजफ्फरपुर जैसे शहर में या पटना जैसे शहरों में क्या होता है कि घर, अगर शहरी क्षेत्र में बच्चा है तो घर जाके माता पिता भी उसको पढ़ाते हैं, माता पिता भी अब पढ़े लिखे होते हैं तो सब बच्चों को समय देते हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्र में यह नहीं संभव है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े होते हैं, उनका अपना व्यवसाय होता है, ना तो उनके पास समय है। तो सबसे जो अहम बात है वो खुद भी शिक्षित बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो पूरी तरीके से वो सब कुछ जो है वहां के शिक्षकों पर ही डिपेंडेंट होते हैं सारे लोग, कि शिक्षक जो पढ़ाएंगे उसी के आधार पर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। अन्य कई विषय है जिसपे चर्चा हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने पाया है अच्छे विद्यालयों की भी कमी होती है। प्राइवेट स्कूल्स जब वहां आते हैं तो प्राइवेट स्कूल की जो दामें होती है, मतलब जो उनकी जो मासिक फी होती है, मंथली फी, वो ज्यादा होती है, जिसके बाद क्या होता है कि कई परिवार के बच्चे चाह कर भी उस विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वहां पे आर्थिक तौर पर परिवार इतना समृद्ध नहीं है कि प्राइवेट स्कूल का या निजी विद्यालयों का जो है वो पैसा दे सके। तो समस्या यह है कि मूव आउट करना पड़ता है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं मूव आउट करते हैं शहर की ओर पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। मूव आउट करना एक बड़ा समस्या है। मूव आउट करने के बाद क्या होता है कि आप अपने संस्कृति, अपने समाज, अपने संस्कार, अपने परिवार, अपने सभी चीजों को छोड़कर आप जा रहे हैं, और जहां भी कहा रहे हैं शहर में चारों ओर जहर है। आप एक प्राकृतिक वातावरण को छोड़कर शहर में आ रहे हैं जहां पे विषैला जहर है हर ओर, सभी भाग रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, सब कुछ है यहाँ पे। मगर आप देखा जाए तो लोग, आज की स्थिति ये है कि जो शहर में वो गांव की तरफ मूव आउट करना चाहता है, मजबूरी है, वो बंद गया है इस तरीके से कि नहीं जा पा रहे। हालांकि चर्चा कभी से आज नहीं है, मैं फिर कभी इस पे आऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि जो मूव आउट करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे भी, तो यहाँ आने के बाद भी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि जो जिस स्तर पर वो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हैं उसी स्टैंडर्ड का बच्चा जब शहर क्षेत्र में आता है तो पता चलता है कि लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। वो जो वहां पर 2 क्लास में जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, यहां आने के बाद पता चलता है कि यहाँ वो बच्चे 1 में पढ़ चुके हैं, यहाँ काफी कुछ बच्चे आगे सीख चुके हैं। तो यहाँ पर शुरू में संघर्ष ज्यादा है। संघर्ष करने के बाद अगर बच्चा आगे बढ़ता भी है तो एक और बड़ी समस्या है कि जब शहरी क्षेत्र में जब बच्चा आता है तो अंग्रेजी की बड़ी समस्या आती है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अंग्रेजी को लेकर बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया जा रहा है, जहां तक मैंने पाया, स्पीकिंग को लेकर, या बस पाठ्यक्रम के जो पुस्तकें हैं या व्याकरण में जो कुछ सिलेबस में पढ़ाना होता है, ग्रामर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो यह समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र के जब बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर में जब आते हैं तो सबसे पहले तो उनको घुल मिल होने में, जब यहाँ के वातावरण में, यहाँ के लोगों से, यहाँ के बच्चों से, दोस्तों से मिलने जुलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
मैं बस इतना कहूंगा कि कम शब्दों में खत्म करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा, शिक्षा का स्तर सामान्य हो, जो शिक्षा शहरी क्षेत्र में मिल रहा है ठीक उसी प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र में भी मिले। दूसरा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, मैं एक बड़ी मतलब अविश्वसनीय चीज मैं आपको बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद कभी किसी ने ध्यान दिया हो। मैं कभी किसी ब्लॉक में जाता हूं तो ब्लॉक में पाता हूं कि दीवारों को रंग दिया जाता है कई प्रचारों से, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद फिर वो परिवार नियोजन वाला, बहुत सारे तरीके की होती हैं। अब सजग बने अनपढ़ ना बने इस तरीके के, तो मैं देखता हूं कि जो अगर अनपढ़ है या जो खुद नहीं पढ़ा है वो दीवारों पर लिखी चीजों को कैसे पढ़ सकता है। तो सिर्फ प्रचार प्रसार करना या दीवारों को रंगवा देने से ही एक जागरूकता नहीं आएगी, जागरूकता के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचना पड़ेगा या पीड़ा समाज के उस वर्ग को उठाना होगा जो शहरी क्षेत्र में ग्लैमर के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके वहां से मूव आउट करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर वहां बच्चों से मिलें, शिक्षकों से, वहां के शिक्षकों से मिलें, माता पिताओं से मिलें, फिर उनको आप सजग करें कि नहीं आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, शिक्षकों को वहां पे गाइडलाइन दे के आप बच्चों को क्या कुछ और पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, तरीकाएं क्या कुछ हो सकती है, तब जाकर कहीं कुछ बदलाव नजर आ सकता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कभी लाइव आऊंगा तो अन्य कई मुद्दों पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। आज बस एक डेमो लाइव था ये, एक्चुअली मैं बस प्रयास कर रहा था कि किस तरीके से लाइव आकर, हालांकि मैं पहले लाइव आ चुका हूं, पर ये एक प्रयास था कि भैया किस तरीके से आप किसी मुद्दे पर आप बोल सकते हैं। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार प्रणाम, और आने वाले समय में एक शो लेकर आ रहा हूँ जिसको लेकर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। शो का नाम है इडू लाइव। मैं शो के बारे में बता दूं, शो एक ऐसा शो है जिससे आप घर रहकर प्रत्येक दिन रात के 9 बजे जब आप बिहार दस्तक को खोलेंगे यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो आप पढ़ पाएंगे वहां से, जो शिक्षक प्रत्येक दिन अलग अलग विषय के शिक्षक वहां मौजूद होंगे, और वो शिक्षक लाइव आपको अपने किसी मुद्दों पर किसी किसी चीजों पर चर्चा करते हुए बताएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत जल्द मैं बताऊंगा कि कैसे और क्या कुछ इसमें और होना है, कब यह रिलीज हो रहा है। बहरहाल मैंने अभी इसका एक पोस्टर लॉन्च किया है, जो बिहार दस्तक आप जब पेज फेसबुक पे लॉगिन करेंगे तो आपको कवर फोटो पे वो दिखेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बने रहें, स्वस्थ रहें, समाज को अपने आसपास को स्वच्छ रखें, साफ रखें, धन्यवाद।